स्वागत है आपका मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। अररिया के भरगामा थाना क्षेत्र के बिरनगर पश्चिम पंचायत के एक गांव में 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना बुधवार की शाम हुई है। घटना की सूचना पर अररिया SDPO पुष्कर कुमार के नेतृत्व में महिला थाना प्रभारी रीता कुमारी, भरगामा थाना अध्यक्ष उमेश कुमार, ASI वंदना कुमारी, कनकलता कुमारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित बच्ची और उसके परिजनों के साथ बातचीत की। पीड़ित बच्ची को मेडिकल चेकअप के लिए अररिया लाया गया। पीड़ित बच्ची की मां द्वारा अररिया महिला थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया गया है कि आरोपी युवक बच्ची के घर के पास ट्रैक्टर से खेत जुतवा रहा था। इसी क्रम में उसने बच्ची से पीने के लिए पानी मांगा। बच्ची पानी देने गई तो युवक बच्ची को जबरन अपने साथ लेकर चला गया। बताया जाता है कि आरोपी अपराधी प्रवृत्ति का है। उसके विरुद्ध विभिन्न थानों में बलात्कार, लूटपाट और मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। घटना की सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने SP हृदयकांत को दी, जिसके बाद उन्होंने टीम का गठन कर जांच शुरू करवाई। बताया जाता है कि घटना के बाद पीड़ित बच्ची को काफी मशक्कत के बाद बरामद किया जा सका। SDPO पुष्कर कुमार ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर पंचायत कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी। बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। लोग इसको बैठ मिल के मामला को सुलह सपाटा करने वाले थे, लेकिन जैसे ही पुलिस अधीक्षक महोदय को यह मामला संज्ञान में आया, उन्होंने तत्क्षण महिला पुलिस इंस्पेक्टर रीता कुमारी को घटनास्थल पर भेजा, SHO को भेजा और मुझे DSP के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अररिया को भेजा। हम लोगों ने जाके बच्ची को लेकर मेडिकल कराया है। आज मेडिकल करा के न्यायालय में उसका बयान कराया जा रहा है उसकी माँ का। इसके अलावा छापामारी किया गया। वो लड़का जो जिसके बारे में नाम आया है वो फरार है, भी भागा हुआ है। 3-4 उसके ठिकाने पर छापामारी किया है। जल्द से गिरफ्तार करके इस केस में जो है उसको मुआवजा के साथ साथ जो है गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल करा के उसको सजा दिलाने का कार्य किया जाएगा। वहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं, उनसे जो मेरी बात हुई, उनका कहना है कि हम लोग 10 घर हिंदू हैं और काफ़ी भयभीत हैं, इसको सुरक्षा को भी लेकर वहाँ पर ऐसा कोई भय का बात नहीं है। भयक्रांत होने का कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। इस देश में सारे लोग सुरक्षित हैं, उसी तरह बिहार में, उसी तरह अररिया में सारे लोग सुरक्षित हैं। इसी में किसी को भयक्रांत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा लोग ऐसे बोलते हैं वो अलग है, लेकिन कोई भय की बात नहीं। किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र के बाड़ीजान में 1 दिसंबर को मुखिया प्रत्याशी के पति को गोली मारने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। SDPO अनवर जावेद ने मीडिया को बताया कि पीड़ित फुरकान आलम के बयान के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अन्य नामजद आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। SDPO ने कहा कि मामला प्रथम दृष्टया चुनावी रंजिश का लग रहा है, लेकिन घटना की तह तक पहुंचकर पूरी घटना का उद्भेदन किया जाएगा। वहीं JDU के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने भी इस मामले को लेकर SDPO से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने निर्दोष लोगों को जेल न भेजने की बात कही है। उन्होंने कहा कि घटना में जो भी दोषी हों उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक विद्वेष के कारण जिनका नाम दिया गया है उसे हटाया जाना चाहिए। बता दें कि फुरकान के पिता द्वारा 14 लोगों को नामजद किया गया है। उन्होंने यहां MGM में भर्ती के दौरान थाना प्रभारी ने वीडियो से उनका बयान लिया था, जिसमें उन्होंने 3-4 लोगों के बारे में बताया था, शक जाहिर किया था कि उन्होंने इस तरह की घटना की है। उसी रात जो है कि SP किशनगंज के निर्देश के आलोक में छापेमारी की गई और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और इस घटना के पीछे क्या कारण है चुनावी रंजिश से पता चल रहा है, लेकिन इसके तह तक जाकर इसमें जो भी सच्चाई होगी उसको हम लोग सामने लाकर फिर अगर तक कार्रवाई करेंगे। 14 लोग नामजद हैं उनके पिताजी ने। हाँ, नामजद राजनीतिक द्वेष की बात आ रही है। हाँ, ये हो सकता है, चूंकि पुलिस सारे बिंदुओं पे जांच कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि राजनीतिक दुर्भावना के कारण जो है कि नाम दिया गया है, तो पुलिस इसका अनुसंधान कर रही है और वैज्ञानिक अनुसंधान भी की जा रही है। जो भी इसमें सही होगा, हमारा प्रयास यही रहेगा कि निर्दोष किसी भी हालत में नहीं फंसे और दोषी किसी भी हालत में नहीं बचे। सर, कोचाधामन काफी सेंसिटिव एरिया है, ऐसे में पंचायत चुनाव आगामी दिन होना है, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के? सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है और इसके लिए एक हम लोगों ने योजना भी बना ली है। फ्लैग मार्च वगैरह को लेकर सेंसिटिव बूथों को चिन्हित कर लिया गया है, वहाँ पे विशेष निगरानी रखी जाएगी। सिलीगुड़ी में बालासन ब्रिज के एक हिस्से पर बनी बेनी ब्रिज को शुक्रवार को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। बेली ब्रिज खुलने के साथ ही यहां अफरा तफरी मच गई। सिलीगुड़ी के माटीगाड़ा में बालासन पुल पर बने बेली ब्रिज के उद्घाटन के मौके पर तृणमूल और भाजपा के नेता मौजूद थे।
लेकिन पुलिस ने कथित तौर पर माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी के विधायक आनंदमय बर्मन सहित भाजपा नेताओं को वहां से जाने के लिए कहा, जिसको लेकर वहां हंगामा शुरू हो गया। विधायक ने दावा किया कि केंद्र सरकार की कीमत पर पुल के निर्माण के बावजूद इसका श्रेय सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ले रही है, वे इसका विरोध कर रहे हैं। विधायक ने शिकायत की कि यहाँ के जनप्रतिनिधि खुद विधायक हैं, बाकी जनाधार खोए हुए नेतृत्व को राज्य सरकार द्वारा पुनर्वसित किया गया है। इसके अलावा वे खुद माटीगाड़ा क्षेत्र के निवासी नहीं हैं, बल्कि सिलीगुड़ी से आए हैं। हालांकि तनाव से बचने के लिए दार्जिलिंग के जिलाधिकारी, तृणमूल नेता काजल घोष और विधायक आनंदमय बर्मन ने एक साथ रिबन काटा। इसके बाद फिर पुलिस ने एक एक कर सिटी ऑटो को पुल के ऊपर से जाने दिया। बाद में अन्य वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। गुरुवार को अररिया जिले के पलासी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बदरबट्टा पंचायत स्थित गरहरा गांव में खाना बनाने के दौरान भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसकर 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। आग लगने से 3 परिवारों के 6 घर जलकर राख हो गए। बताया जाता है कि खाना बनाने के दौरान अचानक से आग लग गई। आग में घर में रखे कपड़े, बर्तन, धान, चावल, फर्नीचर सहित सारा सामान जलकर राख हो गया है। आग में लगभग 3 लाख रुपए के सामान के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकारी मिलते ही पलासी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतक बालक के शव का पोस्टमार्टम कराया। पलासी अंचल अधिकारी ने बताया कि सरकारी प्रावधान के मुताबिक मृतक के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अररिया में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को जलाकर मारने का मामला सामने आया है। मामला सिमराहा थाना क्षेत्र के हींगना औराही गांव का है, जहां पति, ननद और सास ने मिलकर दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को आग लगाकर मार डाला है। मामले की जानकारी मिलते ही महिला के मायके वाले पहुंचे और इसकी सूचना सिमराहा थाना पुलिस को दी, जिसके बाद सिमराहा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया। मृत महिला का नाम रूबी देवी है, जिसकी शादी करीब 7 साल पहले हिंगना औराही गांव के निरंजन मंडल से हुई थी। शादी के बाद से ही पति के द्वारा लगातार दहेज की मांग की जा रही थी। मायके वालों द्वारा समय समय पर हर तरह की मांग को पूरा भी किया जा रहा था। पहले मृतक की मां के द्वारा 12 कट्टा जमीन की रजिस्ट्री भी करा दी गई थी, लेकिन महिला के पति द्वारा आए दिन दहेज की मांग की जा रही थी। आरोप है कि मांग पूरी नहीं करने पर महिला की हत्या कर दी गई। महिला के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अब अनाथ हो चुके हैं। शुक्रवार को कटिहार नगर थाना क्षेत्र के बैगना मोहल्ले में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष की एक महिला सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित पक्ष द्वारा नगर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। शुक्रवार की शाम अररिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सूरजापुर गांव में खेत में मवेशी चराने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान दूसरे पक्ष के 4 युवकों ने मवेशी चराने का आरोप लगाते हुए महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान एक युवक ने चाकू से हमला किया, जिसमें महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में महिला फिरोजा और उनका पुत्र गुड्डू शामिल हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक द्वारा दोनों की स्थिति में सुधार आने की बात कही गई है। जानकारी देते हुए घायल महिला के परिजनों ने बताया कि हमलावर युवक अपराधी प्रवृत्ति का है, जो हमेशा अपने साथ में चाकू रखता है। मामूली विवाद के बाद 4 युवकों ने मिलकर महिला के साथ मारपीट की और चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। नगर थाना पुलिस ने सदर अस्पताल पहुंचकर पीड़ित महिला और उसके परिजनों से मामले की जानकारी ली। घायलों ने 4 युवकों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। पुणे पुलिस ने सहायक खजांची थाना क्षेत्र के महबूब खान टोले में एक घर से 6.14 ग्राम स्मैक तथा 93.70 ग्राम अन्य नशीला पदार्थ का कारोबार करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम विक्की उर्फ फजला बताया जा रहा है, जो महबूब खान टोले का रहने वाला है। आरोपी के पास से 6.14 ग्राम स्मैक के अलावा 93.70 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 3 स्मार्टफोन, 1 कीपैड मोबाइल तथा नकद राशि, जिसमें 2,23,140 रुपए भी बरामद हुए हैं। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट memedia.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं मेराज खान, सैयद शादाब, तहसीन अली और रविंद्र यादव।